والصلاة والسلام على رسول سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين انتہائی عزت و تکریم دے لائق حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان مجاہد ملت حضور قبلہ صاحبزادہ محمد آصف صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ علیہ راوی ریان شریف دیگر معزز محتشم سامعین بانیان محفل میرے محترم بھائی جناب محمد آسن رانجا صاحب جنا اپنے والد بزرگوار دی سالانہ برسی دے موقع تے اس عظیم و شان محفل ذکر حسین دا انعقاد کیتا ہے اللہ تعالی جل جلالہ دی بارگاہ پاک وچ دعا ہے کہ رب تعالی ساڈی حاضری نو اپنی پاک بار
हजरात गिरामी कदर, यकीनन इस महफिल पाक दे अंदर हाजरी असां सारे वास्ते बायस सआदत है। अल्लाह ताला दे पाक घर दे अंदर हाजरी फिर आज दे इस दौर दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत मुतहरा दे उते अमल करने वाले मशायख और दीने मतीन दी हिफाजत करने वाले मशायख नबी अलैहिस्सलाम दी इज्जत और नामूस ते पैरा देवण वाले मशायख उन्हां दी ज़ियारत करना यकीनन साढ़े सब दे वास्ते बायस बरकत है। अल्लाह ताला आस्ताना आलिया रावी रेयान शरीफ दा ए फैज़ हमेशा कायम व दायम फरमाए। मोहतरम हज़रात, बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू दा आगाज करन लगा। मैं उम्मीद करना जनाब तवज्जो नाल समात फरमाइसो। दोस्तों एक है मकाम रजा, और एक है अल्लाह तबारक व ताला दी तकदीर। रजा इख्तियार और इरादे का नाम है, और जड़ी तकदीर है जिदा दूसरा नाम तुसी उनु मशीयत आख लो, ओ रजा और इख्तियार और इरादे का नाम नहीं। इस जिंदगी के अंदर, इस कारोबारे हयात के अंदर आए रोज जनाजे भी उठते हैं, हादसात भी आते हैं, लोगों के अज़ीज़ा अकारिब दुनिया तो रुखसत भी आते हैं, लेकिन अहबाबे गिरामी कदर अल्लाह तबारक व ताला की तकदीर गालिब आती है और बंदे बेबस हो जाते हैं। अपने अजीजा नूं, अपने जिगर के टुकड़िया नूं, अपने रिश्तेदारां नूं अल्लाह तबारक व ताला दी तकदीर दे अगे सरे तस्लीम खम करके रुखसत करते ने, और बाद विच अपने मालिक दी रजा दे उते राजी हो जाते। मोहतरम हज़रात, किसे नूं टोर के अल्लाह ताला दी बारगाह ये इजहार करना के मालिक मैं तेरी रजा ते राजी हां, ये भी बड़ी बड़ी बात, ये भी बड़ा मकाम है कि अगर अल्लाह ताला बंदे नूं ये तौफीक देवे, वरना लोग शिकवे करन लग जांदे ने अल्लाह ताला दी पाक जात नाल मुसीबत परेशानी दे आमद दे उते लोग कदमां तों उखड़ जांदे ने, और जबान दे उते इस तरह के लफज भी बाज़ुकात जारी हो जाते हैं कि जड़े शर्म नजायज होते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला दी तकदीर दे अगे किसी का कोई बस नहीं चलता, और तकदीर तो मुराद तकदीरे मुबरा में कि जड़ी अल्लाह के इलम च भी होवे के इस नहीं बदलना, और लोहे महफूज से भी होवे के इस नहीं बदलना। तो ये तकदीर मनना, इससे सामने सरे तस्लीम खम करना एक मुसलमान की शान भी है, लेकिन ये अंदर बंदे का इख्तियार कोई नहीं आता। हादसे के अंदर दुनिया तो चला जाना, बीमारी का सामना करके अल्लाह ताला की बारगाह पाक च हाजिर हो जाना, अजीजा का इस अंदाज नाल रुखसत करना है और है, और अपने रजा और अपने इरादे दे नाल करबला दे मैदान च आके दो ऑप्शन दे विचों एक ऑप्शन इख्तियार करके एक पासे बादशाही दौलत हकूमत दा लालच होवे, और दूसरे पासे
अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इज्जत और नामूस और दीन दा मसला होवे उस वक्त इन्हां दोनों सूरतां विचों एक नूं इख्तियार करना अपने मालिक दी रजा वास्ते ए मकाम कुछ और है जिदे विच मुकम्मल इंसान बेबस है और अपना मतलब सामना करके बाद च रजा ते अमल करना है और है और पहले रब दी रजा मन के अल्लाह दी रजा वास्ते रब दी रजा वास्ते मैदान चा के रब दे दीन दी हिफाजत दी खातिर अपनियां जाना दे नजराने पेश करना ए मकाम कुछ और है। सुभान कुराने करीम दे जेड़े लफज मैं तिलावत कीते ने उसनु जरा मद्देनजर रखो उन्हां दा तर्जमा समाप्त फरमाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया इन्ना अरदनल अमानता लस्समावात वल अर्द असा अपनी अमानत नु पेश फरमाया आसमाना ते वल अर्द और जमीना ते वल जिबाल और पहाड़ा ते फअबैना अन यहमिलना इनकार कर गए उठावन तो अबैना जमादा सी गए माजी इनकार कर दिता इना अई यहमिलना अमानत दे उठावन तो लेकिन हजरात क्या ये इनकार इबलीस वाला आई शैतान वाला इनकार आई मुसलमानों ये इनकार शैतान वाला कोई नहीं क्योंकि शैतान दे इनकार विच तकब्बर शामिल आई उत्थे भी लफ्ज़े अबाए लेकिन अगे अबा दे नाल वस्तकबर आए अबा वस्तकबरा सजदे तो इनकार कीता शैतान ने हजरत आदम अलैह सलाम नू इनकार कीता उत्थे भी अल्लाह ने लफ्ज़े अबा जिक्र कीता और जदों आसमाना ते जमीना ते पहाड़ा ने अल्लाह ताला दी अमानत उठावन तो इनकार कीता उत्थे भी लफ्ज़े अबा आया फर्क इन्ने कि जिथे शैतान दा इनकार है उत्थे अबा वाहिद है और जिथे आसमाना जमीना ते पहाड़ा दा इनकार है उत्थे अबैना जमाए तवज्जो करनी है मुसलमानों लेकिन कुरान कहता है अबा वस्तकबरा शैतान दा इनकार तकब्बर वाला इनकार आई उस तकब्बर दी वजह तो इनकार कीता ते जिहड़ा आसमाना ते जमीना ते पहाड़ा ने इनकार कीता इहदे अंदर तकब्बर शामिल कोई नहीं बल्कि वा अशफकना मिनहा डर गए अपने आप नु वेखिया अल्लाह दी अमानत नु वेखिया अपने आप वेख्या रब दी अमानत वाल वेख्या ते फैसला कीता साडी पावर नहीं साडी ताकत नहीं साडे विच कुवत नहीं कि असी इस अमानत दा बोझ उठा सकीए तो अल्लाह ने फरमाया व अशफकना मिना इना दे इनकार विच तकब्बर कोई नहीं बल्कि आजजी वाला इनका इनकार आई इनके सारी वाला इनकार आई अर्ज कीती मालका साडी पावर नहीं कि असी इस अमानत नु उठा सकीए ये अमानत बड़ी उच्ची है साड़ी इतनी कैपेसिटी नहीं इतनी ताकत नहीं साढ़े पास दी बात नहीं इस अमानत नु उठाना तवज्जो कीजिएगा अहले इल्म दा मजलस मजले से समझदार हजरात तशरीफ फरमाओ और मुसलमानों पीरां दे जेरे साया अगली बात जरा सुनो अल्लाह ने अगे की इरशाद फरमाया जदों आसमान ने इनकार कर दिता जमीना इनकार कर दिता पहाड़ा इनकार कर दिता ते फिर की होया वहमल इंसान ए
इंसान मैदान चाया और इस इंसान ने अमानत नु उठाया। हजरत तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने कुरान च ए नहीं फरमाया कि हां असा इंसाना तो अमानत उठवाई। अल्लाह ने फरमाया इंसान ने अमानत उठाई। अगर अल्लाह ये कहता वा अहमल अल्लाहुल इंसाना, अल्लाह ने इंसान को अमानत उठवाई तो ये इंसान की मजबूरी पाई जाती कि अल्लाह ने जबरदस्ती अमानत दे खाते पाई। जो पहाड़ इनकार कर गए, आसमान इनकार कर गए, जमीन इनकार कर गई तो अल्लाह ने जबरदस्ती अल्लाह अकबर अल्लाह पाक ने इंसान को अमानत उठाई। लोगों इन मामला नहीं होया। अल्लाह फरमांदा वा हमला इंसान, मजबूरी नाल इंसान ने अमानत नहीं उठाई बल्कि रजा नाल मेरी अमानत नु उठाया, इरादे नाल मेरी अमानत नु उठाया, इख्तियार नाल अमानत नु उठाया। अल्लाह अकबर। हुण जरा गौर करना दोस्तों, जिन्ना अमानत उठावण तो इनकार कीता ते आजिज़ आ गए, अल्लाह ने उन्हां नु अगे कोई तमगा नहीं दिता। लेकिन जिसने अमानत उठाई अल्लाह ने उन्हें तमगा केड़ा दिता? सुनो जरा कुरान दी इस आयत दा इख्तिताम किन्ना लफ्जां ते वे मुसलमानों, अल्लाह ने तमगा दिता इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये जड़ा इंसान है ये जालिम भी है ते जाहिल भी है। अमानत उठान वाले नो कुरान ने जालिम भी आख्या, जाहिल भी आख्या। मालका तू करीम है, तू का तेरे मुतलक है, तेरी जात बड़ी करीम है, या अल्लाह तेरिया तू ही जानना है। आसमान आज जा गए, पहाड़ आज जा गए, जमीन आज जा गई, अमानत ना उठा सके। ते जिस इंसान ने तेरी अमानत उठाई तू तमगे ए दिते इन्नहु काना ज़लूमा, ये ज़ालिम है, जहूला है, जाहिल है। या अल्लाह ये ज़ालिम ते जाहिल दा लफ़्ज़ ते साडे उर्फ दे अंदर अच्छे मानियां विच इस्तेमाल नहीं होंदा। जिन्ना अमानत उठाई है तू उन्हां नू ज़ालिम भी आख्या ते जाहिल भी आख्या। मुफस्सरी ने किराम ने इस मकाम से लिखे है, तवज्जो करना मुसलमानों, इत्थे जालिम दा ए माना नहीं कि इंसान ने किसे दूजे दे हक ते कब्जा कीता, किसे दूजे ते जुल्म कीता, किसे दूजे ते ज्यादती कीती, ये ताला ने जालिम आख्या। या जाहिल इस वास्ते आख्या के अनपढ़ आई तो अल्लाह ने ताइनु जाहिल आख्या? नहीं नहीं, बल्कि उलमा फरमांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह ने ज़लूम इस वास्ते आख्या है कि इसने अमानत उठाण लग्या, ना अपने आप नू वेख्या कि मेरी पावर है या नहीं, ते ना अमानत वल वेख्या कि अमानत किन्नी वजनी है। इन्हें सिर्फ एक गल वेखी, यारां दी तरफों आईयां होईयां चीजां मोड़ी दियां नहीं है, महबूबा वालों आईया चीजा वापस नहीं करी दिया। अल्लाह अकबर। अपनी पिए ते यार कोई चीज देवे ते ओदों वापस कर देना, ए यारां दा तरीका कार नहीं होंदा। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने अमानत चुकन लगिया, इस इंसान ने ना अपने आप नू वेख्या है, ना अमानत नू वेख्या है, मालिक दी रजा नू वेख्या है। इन्हें नारा मार के उस वक्त कबूल करके ते मुसलमानों की आख्या अपनी जबान नाल, मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दी जबानी ओदा तर्जमा कर लईए। इन्हें आख्या जिन्ना दुखां विच मेरा ओ दिल बर राजी, उन्हां दुखां तो सुखवारे, जिन्ना दुखां विच मेरा दिल पर राजी, उन्हां दुखां तो सुखवारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा राजी रहण प्यारे।
जहूला इने अंजाम नू ना वेख्या अमानत चुकदा पिया मेरे नाल बनेगा की केड़े केड़े इम्तिहाना विचों गुजरना पेगा आवाज़े कुदरत आई अमानत ता चुक रहे हैं लेकिन तेनू वतन छोड़ना पेगा तेनू जनाब खानदान छोड़ना पेगा तेनू आरे नाल दो टुकड़े होना पेगा तेनू सके बिरावां दे हत्थों खूह विच जाना पेगा तेनू अपने सके पुत्र दी गर्दन ते छुरी चलानी पेगी तेनू मछली दे पेट च जाना पेगा तेनू ओद ते बदर दे मैदानां विच जाना पेगा तेनू नाने दा मदीना छोड़ के मक्के आना पेगा तेनू मक्के विचों करबला जाना पेगा अपनियां अक्खां दे सामने पुत्र भी देने पैणगे भरा भी देने पैणगे भांजे भी कुर्बान करने पैणगे भतीजियां दियां गर्दनां ते छुरियां चलदियां वेखणियां पैणगियां याद रख लै अमानत उठाई इस अमानत दे आवण तो बाद इम्तिहान बड़े वड्डे वड्डे आणगे उसने आख्या मालका जदों मैं अमानत चा लईए ते जो भी आया मैं बर्दाश्त कर जावांगा तेरी रजा नू वेखांगा तेरी रजा ते नारे मार के इहो ही आखांगा क्या पेश करूं तुझको क्या जा चीज हमारी है क्या पेश करूं तुझको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी हजरात मेरे आका ने इना शहजादियां दी जड़ी अजमत बयान की थी अल्लाह दी कसम कमाल कर दिता है कोई ना नवासिया नाल इन प्यार नहीं करता जिवें मेरे नबी ने अपने इना शहजादियां नाल प्यार कीता है और खुदा दी कसम लोगों आओ मैं तुहानू सरकार दी एक हदीस पेश करां मेरे नबी ने अपने हसन शहजादे नू मौला हसन मुजतबा नू गोद विच लैके आपने जनाब फरमाया सिर तो लैके नाफ तक ए मेरा हसन मैं मुहम्मद दी तस्वीर है नाफ तो लैके जनाब पैरां तक मेरा हुसैन मैं मुहम्मद दी तस्वीर है हदीस ना होवे ते मैं जिम्मेदार मशायख दी मौजूदगी दे अंदर उलमा दी मौजूदगी दे अंदर मुसलमानो ए हदीस रसूलुल्लाह अलैहि सलाम दी मैं पेश पिया करदा तवज्जो करना मेरी सरकार फरमाया सर तो लैके नाफ तक हसन मेरी तस्वीर है नाफ तो लैके पैरां तक हुसैन मेरी तस्वीर है इन्हां दोनों नूं मिलाओ मुहम्मद अलैहि सलाम दा वजूद ते जनाब तसव्वुर विच आ जांदा है हुण गौर करना मेरा ये सवाल है इहदा उल्ट क्यों नहीं होया कि मौला हुसैन सिर तो लैके नाफ तक सरकार दी तस्वीर आंदे ते नाफ तो लैके पैरां तक मौला हसन हजूर दी तस्वीर आंदे इन क्यों नहीं होया इन क्यों होया कि उतला जिहड़ा वजूद है मौला हसन दा नबी दी तस्वीर है नाफ तो कदमां तक थलवा वजूद हुसैन दा मेरे नबी दी तस्वीर है ये इन क्यों बने है इहदे विच वी इक रमज है इहदे विच वी इक इशारा है इहदा वी इक बैकग्राउंड है तवज्जो करना दोस्तों ये जिहड़ा उतला वजूद होंदा है ये सरदारी दी अलामत होंदा है हैबत दी अलामत होंदा है ते जिहड़ा तलवा वजूद है वो बहादरी दी अलामत होंदा है क्योंकि कदमां ते खड़े होण दा नाम बहादरी है इन्हां दोनां शहजादियां कोलों जिन जिहड़ा उतला वजूद रसूल दे मुशाबे ओहदे कोलों सरदारी जाहिर होई है ते जिहड़ा तलवा वजूद मेरे नबी दे मुशाबे ओहदे कोलों बहादरी जाहिर होई है अल्लाह अकबर जदों हजरत माविया दे नाल मसला आया 40,000 दा लश्कर
لشکر مولا حسن دے اشاریاں دے ابرو دے اشارے تے جنگ واسطے تیار کھلوتا ہے امت دی اصلاح دی خاطر نانے دے فرمان دے پیش نظر مولا حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نال صلح کر کے سرداری دا ثبوت دیتا ہے کیونکہ چیزاں لینا سرداری نہیں ہوندا او دینا سرداری ہوندا ہے حق حق توجہ کرنا مولا حسن پاک دا حضرت معاویہ نو خلافت دینا جتھے حضرت معاویہ دے صحیح ہون دی دلیل ہے صحابی ہون دی دلیل ہے محترم ہون دی دلیل ہے نال نال امام حسن دی سرداری دی دلیل بھی ہے کیونکہ مسلمانوں جدوں اکتا غلبہ بھی ہووے طاقت بھی ہووے پاور بھی ہووے اس وقت این جناب پاور دے ٹائم جدوں اشاریاں تے غلام جانا نچھاور کرن واسطے تیار ہون اس وقت امت دی اصلاح دی خاطر نانے دی حدیث نو پورا کرن دی خاطر حکومت حضرت معاویہ دے حوالے کیتی اے مولا حسن دی سرداری اے تے 22,000 دے لشکر دے سامنے یزید پلید دیواری جدوں حسین آئے ہن ایک پاسے 22,000 اے دوجے پاسے 72 بندے ہن قدماں تے کھڑو من دا ٹائم آ گیا مسلمانوں جدا بندے ویکھ لوین اج تساں نہیں ویندے پئے اج اپنے ملک وچ حالات ویکھ لو جڑے پاسے لوگ ویکھدے نے پلڑا بھاری اے 5 سال ایک پارٹی وچ کھڑو کے جدوں ویکھن کے اگا حکومت دوجیاں دی آنی اے اسی وقت ہی کلا بازیاں کھا کے دوجے پاسے ٹر جاندے نے 20 پارٹیاں بدل دے نے صرف اس واسطے جدا اقتدار آنا ہے اسا انہاں دے نال آنا ہے مسلمانوں غور کرو ایتھے کوئی تلواراں دا سر تے کوئی نہیں آندیاں کوئی گن پوائنٹ تے دا پارٹیاں چینج نہیں کراندا تے جدوں کربلا وچ مولا حسین آئے نے اوتھے تے تلواراں وی سر تے کھلوتیاں نے اللہ اکبر 22,000 دا لشکر وی اے پوری ایک حکومت وی اے ہن پیراں تے کھڑون دا ٹائم آیا ہے تے میرے نبی دی اس حدیث تو امام حسین دی بہادری ظاہر ہوئی ہے فرمایا او لوگوں خبردار متا سمجھائے او یزید پلید متا تیرے سینے چوے حسین موت دے در تو تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے وے گا حسین دولت دے لالچ تو تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دے وے گا او تینو پاگل پتا نہیں حسین اپنے قدمہ تے نہیں آیا نانے دے قدمہ تے کربلا وے جایا نانے دے قدمہ وچ آیا ہے کیونکہ میرے نبی فرمایا اے ناف تو لے کے پیراں تک حسین دا وجود ہے میں محمد دا وجود ہے ایک یزید نہیں کروڑا یزید بھی ہوندے اللہ دی قسم امام حسین دے قدم نہ ڈگمگا دے کیونکہ پیراں تے کھڑے ہونا اے دا نا بہادری ہے تے میرے نبی فرمایا ناف تو تھلوں پیراں تک وجود حسین دا میں محمد دا وجود ہے تے ساری کائنات ایک پاسے ہووے میرا کملی والا ایک پاسے ہووے وزن حضور دا زیادہ ہے ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہمارے آقا تو مرتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے حضرات ایک اور حدیث سماعت کرو تے پھر میں کربلا والا ہوں
बीबी जहरा पाक सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात सैयदातुन्निसाए आलमीन मेरे नबी दी सब तो प्यारी ते लाडली शहजादी खातून जन्नत मखदूमाए कौनैन अपने दोनों शहजादियां नूं लैके मेरे नबी दी बारगाह जाई ते अर्ज कीता बाबा मेरे बच्चियां नूं कुछ अता करो मुसलमानों नाने नवासियां नूं देंदे ने अल्लाह अकबर दादे पोतियां नूं देंदे ने बीबी जहरा आईयां अर्ज कीती मेरे नवासियां नूं कुछ देओ हुण वेखणा ए वे गौर करना मेरे नबी ने की दिता है माल ते हर कोई देंदा है दौलत ते हर कोई देंदा है जायदाद ते हर कोई देंदा है इल्म ते हर कोई देंदा है मुसलमानों पलाट ते हर कोई देंदा है लेकिन जो नबी ने दिता है कोई दे नहीं सकता मेरे नबी ने हसन नु गोद च बिठाया बिठा के मत्था चुम के ते फरमाया फअम्मल हसन फलाहु है पाती व सौदादी मैं हसन बेटे नु अपनी हैबत अता फरमाना वा अपनी सरदारी अता करना वा लोगों सरदारी देवन दी चीज नहीं होंदी हैबत भी देण दी चीज नहीं होंदी ए खलकी अमारे फितरती अमारे अल्लाह देंदा है सरदारियां अल्लाह देंदा हैबत एदा ताल्लुक कसब दे नाल कोई नहीं होंदा मेरे नबी फरमाया मैं अपने हसन नु अपनी हैबत अता करना वा अपने हसन नु अपनी सरदारी देना वा ते मौला हुसैन दी वारी मेरे नबी फरमाया वा अम्मल हुसैन फलाउ जुराती मैं हुसैन नु अपनी दिलेरी देना वा हुसैन नु अपनी बहादुरी देना वा वजूदी ते हुसैन नु अपनी सखावत देना वा ए सखावत भी देण दी चीज नहीं होंदी बहादुरी भी देण दी चीज नहीं होंदी मेडिकल साइंस उरूज ते किसे साइंसदान नु आखो किसे बंदे नु दिलेरी दे सकदे ने ऑपरेशन करके किसी नु जनाबे वाला दिलेरी मेडिकल साइंस दे सकदी है नहीं दे सकदी ना किसे साइंसदान ने अज तक दावा कीता है क्योंकि एदा ताल्लुक कसब दे नाल नहीं होंदा एदा ताल्लुक खलकी अमर दे नाल है पदेश दे नाल है अल्लाह जिन्नू चाहे दिलेरी देवे अल्लाह जिन्नू चाहे कमजोर दिल बना देवे एक कमजोर दिल नु दिलेरी देना इना साइंस दे वास्ते च ना ही जनाब डॉक्टरां दे वास्ते चे जेड़ा पहले बहादुर होवे ओनू फिर बहादुरी देना ए जनाब डॉक्टरां दे वास्ते च नहीं मेरे मुहम्मद ओ बंदे ने जेड़ा कायनात च कोई नहीं दे सकदा हुण सुनो जदों करबला विच इमाम आए रब रूहां विच ऐलान कीता कोई साडे नाल निभा सकदा ओ घर बसदे छोड़ के कोई साबिर यारो जंगला डेरा ला सकदा मेरे पीर शबीर दी रूह बोली मौला आशक रंग दिखला सकदा ओ तोड़े पानी दीना बूंद मिले विच त्रे दे वक्त निभा सकदा जे कोई दानिश जारा खीर पिलावे चढ़ सांग कुरान सुना सकदा जदों करबला दी धरती ते इमाम आए हजरात बड़ी खुशक जमीन आई मुद्दत आंदी सड़ी ते सुकी हुई जमीन आई अगर चे दरिया दे किनारे ते आई लेकिन सड़ी ते सुकी हुई जमीन आई करबला दी मिट्टी ते जिसले इमाम हुसैन डेरा लाया मिट्टी दी मुट्ठी पिचा के भर के इमाम मिट्टी नाल मुखातिब होए मिट्टी इमाम नाल मुखातिब होई मुसलमानों सरेकी दा एक शायर आदा है करबला दी जमीन ने आख्या ओ परदेसिया मेरे ते तेरा नाला मैं मुद्दतां दी खुशक जमीन मेरी आबादी
नामुमकिन है परदेसी तेरे लाना तू अमीर लतीफ नजर दाए तेरे काबिल आप हवाना तेनु मशवरा दे बल वापस बन ए बन आराम दी जाना इत्थे लखां वली सत दावे गए तू किस्मत नो अजमाना। इमाम केड़ा जवाब दिता फरमाया ओ होर सदागर हन जिड़े तुर गए इत्थों ते मैं ताजर हां जन्नत दा इत्थे नूर महल तामीर करे सा हर रिश्तादार दी रद दा मैनू दे दावी दे वक्त जोहर ताई दे मौका तू खिदमत दा जदों रेत तेरी विच खून रलाया वल रंग वेखी कुदरत दा करबला दी जमीन आख्या हुसैन केड़ी पावर रखदा है ताकत केड़ी है जिड़ ताकत ते टोरा है मैनू आबाद करन वास्ते हुण ताकत सुनो इमाम दी फरमाया अम्मा फातिमा नाल वुज़ू दे मैनू दूध पिलाया है ए पीए तासीर जो नाने अरबी लब चुसाया अम्मा फातिमा नाल वुज़ू दे मैनू दूध पिलाया है ए पीए तासीर जो नाने अरबी लब चुसाया है मैं दुश्मन दी फौज नूं इत्थे कल्ला मार मुकावांगा ऐ धरती तू ना घबरावी मैं भी ना घबरावांगा। करबला दी जमीन ने आख्या हुसैन कोई हकूमत दे लालच वास्ते आए हो बादशाही दे लालच वास्ते आए हो। इमाम आली मकाम दा जवाब आया दीन दी खातिर तुरिया आया मैं छोड़ के ठंडिया छावानू जन्नत दे ना बाग बगीचे वेख दे मेरिया रावानू रेत तत्ती ते जा विछा के हाशमी लाल समावांगा ऐ धरती तू ना घबरावी मैं भी ना घबरावांगा। हजरत करबला दे मैदान च इमाम ने खेमे लाए मोहतरम हजरत दश्त नैनवा वादी करबला विच इमाम अली मकाम ने खेमे लाए मैं जदों इत्थे हाजिर होया नात खान नात पे पढ़दे हन नकीब साहब ने एक जुमला रखिया इमाम अली मकाम रजा ना लाए इख्तियार ना लाए लोगो मुहर्रम दे दस दिनां विच बड़ा लोग इमाम दा जिक्र करदे ने लेकिन साडे जिक्र करने विच ते उहनां दे जिक्र करने विच बड़ा फर्क है। उहनां दा जिक्र करना बेअदबी ते मुश्तमिल साडा जिक्र करना अहले बैत दी इज्जत ते मुश्तमिल ओ सत यकम मुहर्रम तू लैके दस मुहर्रम तक यही साबित करदे ने इमाम बेबस हो गए इमाम मजबूर हो गए इमाम नूं राह कोई ना मिलिया चले जाण दा इमाम ने जनाबे वाला मजबूर हो के सारा काम कीता। मुसलमानों साडा जिहड़ा मकतबे फिकर है जिन्हों आले सुन्नत व जमात आदे ने साडा एक कतन नजरिया नहीं कि इमाम फस गए इमाम मजबूर हो गए इमाम नूं राह ना मिलिया तुर जाण दा नहीं ते इमाम चले जांदे ए इमाम दी शहादत दी कदर नहीं बल्कि बेकदरी है। जिहड़ा कहिंदा इमाम फस गए इमाम जनाबे वाला जबरदस्ती दे मामलात विच आ गए बेबस हो गए इमाम इमाम नूं बेबस बना के इस तरह मजबूर बना के अवाम दे सामने पेश करना के इमाम दी जनाब कुर्बानी दी अहमियत कम हो जाए ये आशकां दा तरीका कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह दी मजलूमी इख्तियार करा के सहाबाए किराम दे खिलाफ लोगों नूं उकसाया जांदा है वरना हल हकीकत देवे। मुसलमानों मैं तुहाडे कोलों पुछना किबला पीर साहब दे कदमां विच मौजूद हो के तेरे रकबे विच ट्यूबवैल लगा होवे तेरे रकबे विच
तिरपैन लगी होवे। गौर करना मेरी इस बात ते, तेरे रकबे विच कोई तिरपैन ट्यूबवैल लगा होवे, रकबा भी तेरा होवे, ट्यूबवैल भी तू लावे, ते उस तेरे रकबे दे अंदर लगे ट्यूबवैल दा पानी कोई तेरे ते बंद कर देवे, आखे मैं तेरे रकबे नू लगन नहीं देना। मुसलमानों की ख्याल हो सकता है रकबा भी तेरा होवे, ट्यूबवैल भी तेरा होवे, पानी भी तेरा होवे, मालिक भी तू होवे, ते कोई तीसरा बंदा उठ के आ जाए ते आखे मैं तेरे रकबे नू पानी नहीं लगन देंदा, ए किवें हो सकदा है? या ते तू बिल्कुल ही बेबस होएगा, बिल्कुल ही कमजोर होएगा, ते फिर जनाब तू ए भी जनाब बर्दाश्त कर लवेगा, वरना कौन अपने रकबे विचों किसे दूजे नू पानी रोकन देंदा है? कौन अपने रकबे विच किसे नू जनाबे वाला इस तरह का इख्तियार करन देंदा है? गौर करना पीर साहब दे कदमां विच बैठण वाले हो, गौर करना जरा अल्लाह दे घर विच जिक्रे इमाम अली मकाम दी महफिल चाण वाले हो। सही बुखारी विच हदीस ना होवे ते मैं जिम्मेदार। मेरे नबी फरमाया दुनिया ते बैण वाले दो दरिया, सारे दरिया पहाड़ा विचों निकलदे ने और समंदरां विच जाके गिरदे ने, लेकिन दो दरिया इहो जिहे ने इस धरती ते जिहड़े जन्नत विचों निकलदे ने, उह पहाड़ा विचों नहीं निकलदे, उहनां दा माखज जन्नत ए, उह जन्नत विचों निकले ने। केड़े दरिया ने? एक मिस्र वाला दरिया नील ए, ते दूजा इराक वाला फुरात ए, जिहदे जिहदे जनाब किनारे ते करबला दी जंग होई ए। हुण मैं तेरे कोलों पुछना, फुरात दा दरिया जन्नत विचों पिया निकलदा ए, मिस्र वाला नील भी जन्नत विचों पिया निकलदा ए, ते जिहड़ी जन्नत विचों दरिया ए फुरात निकलदा ए, उस जन्नत दा मालिक कौन ए? उस जन्नत दा मालिक हुसैन ए। ओ तू ट्यूबवैल दा मालिक होवे, तेरा पानी कोई नहीं ढक सकदा, ते जिहड़ा जन्नत दा मालिक होवे ते फुरात भी जन्नत विचों निकले, ओहदा पानी किवें यजीदी ढक सकदे ने? असल मसला ए आई, ताकत होंदियां जोर ना लाए ओ बैठे मन रजाई, ताकत होंदियां जोर ना लाए आख्या कर हुसैन बेकस, हुसैन मजबूर, हुसैन नो वाह कोई नहीं मिली निकलन दी, नहीं हुसैन चला जाए ना ना, ताकत होंदिया जोर ना लाया बैठे मन रजाई, पानी बाज प्यासे तुर गए ओ तीन दुनिया दे साई। हजरत मोहतरम असल मसला ए आई, ए पानी बंद होया ते पानी कदमा विच क्यों ना आया? मसला ए आई, इम्तिहान जितना सख्त होंदा है मकाम उतना उच्चा होंदा है। फरमाया मेरा पुत्र जितना तेरा इम्तिहान सख्त होंदा जाएगा ते जिवें जिवें तू सबरो रज़ा ते इम्तिहान पास करेगा तेरा मकाम उतना बुलंद होंदा चला जाएगा, वरना की जुर्रत आई यजीदियां दी पानी ना देंदे, की जुर्रत आई इमाम अगर फुरात नूं बुलांदे ते फुरात कदमां विच ना आंदा। सुनियों याद रख लेना, इमाम मजबूर कोई नहीं सी, इमाम नूं मजबूर बना के इमाम दी शहादत दी बेकदरी ना करे आजे, ना उहनां लोकां कोलों सुनो जिहड़े बेकदरी करदे ने। साडा ए दावा ए, ओ ताकत होंदियां जोर ना लाया बैठे मन रजाई, पानी बाज प्यासे तुर गए ओ तीन दुनिया दे साई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रदी अल्लाह ताला अन्हो दे मलफूजात जे बात मौजूद है, मैं पढ़ के तुहानू सुना रहा। नौवीं ते दसवीं दी दरमियानी रात आई, लगना है बड़े उच्चे घर दा लगना है, असी तेनू पहचानदे नहीं तू कौन है, तेरी शकल नूरानी है, तेरा चेहरा नूरानी है, तेरे काफले ते रहमत रब दी दा नजूल हो रहा है, दस तुसी कौन हो ते ए कौन? अल्लाह अकबर
पर जदाऊ ना दो जाबरी कबीले दे जवाना रेवड़ चराना लिया ना कोई आले मान ना कोई फाजेलान ना कोई मुफ्तियान मुसलमानों बकरियां दे रेवड़ चराना ले जदाऊ ना पूछे हुसैन अल्लाह अकबर इमामे अली मकाम कोलो पूछे तुसी कौन हो ए लश्कर की है जनाब कौन हो ते कौन है मेरे इमाम फरमाया मैं मौला अली दा लखते जिगरा सैयदा जारा दा नूरे नजरा मुहम्मद मुस्तफा दा नवासा मैं करबला दे मैदान जाया ए यजीद दा लश्कर है इना खत लिख के मैनू बुलाया 18,000 लेटर लिख के भेजे एक रिवायत च 60,000 खत आया ते हर खत ते इयो ही लिख दे रहे असा मौला अली दे शिए असा तुहाडे शिए हैं मतलब तुहाडे नाल मुहब्बत करन वाले हैं आओ यजीद तेरे मुकरम ते ना छोड़ो इमाम फरमांदे ने जदों मैं आ गया ते खत लिखण वाले तलवारां चा के मुकाबले विच आ गए लोगों ओ जाबरी कबीले दे जवान ढाई मार के रोवण लग गए उन्हें आख्या बीबी फातिमा दे लाल सानू तेरा पता कोई नहीं कि तुसी मेहमान हो उन्हें रेवड़ नू जनाबे वाला भजाया घर वाले पासे ते इमाम दी बारगाह जा गए आखण लगे किबला सानू भी अपनी फौज शामिल फरमाओ मुसलमानों ना पढ़े होए ना लिखे होए ना कारी ना आलिम ना फाजिल ना हाजी अनपढ़ तो बिरा आए करबला विच ना किस्मत जाग पवे मुसलमानों तक जन्नत पहुंचदे आ देर नहीं लगदी आखण लगे इमाम फौज शामिल कर ले मेरे इमाम फरमाया नहीं मेरा पुत्र तुसी नौजवान हो 18 साल 19 साल तुहाडियां उमरां ने मैं तुहानू नहीं शहीद कराना चाहता उन्हां क्या बीबी जहरा दे बच्चिया तुसी सखियो लजपालो खाली नहीं मोड़दे सानू फौज च कबूल करो मेरे इमाम कबूल कीता तलवारां चुक के मैदान च गए पैदल चल के गए घोड़ियां ते चढ़ के नहीं पैदल मैदान करबला विच आए लड़न वास्ते यजीदियां नू आख्या बेशर्मो खत लिख के बुला के मेरे इमाम दे मुखालिफ हो गए हो हया करो ए यजीद पलीद है तुहाडे पासे उधर फातिमा दा लाल है पर दुनिया दे कुत्तियां नू शर्म ना आई तलवारां लैके दौड़ पे मुसलमानों ना दो ना बिरावां ने बहादरियां दियां तारीखां रकम कर दित्तियां गाजर मूली दी तरह कटिया यजीदियां नू अगली गल सुणन वाली ने लड़दियां लड़दियां अचानक मैदान विचों दौड़ के इमाम दे कोल आ गए मेरे इमाम फरमाया मौत तू डर के आ गए हो अचानक बहादुरी नाल लड़दे लड़दे मेरे तक आ गए हो रो के कहण लगे हुसैन असा थोड़े हैं ए बेईमान ज्यादा हैं असा एक एक करके शहीद होंदे पए हैं सानू इस ख्याल ने तड़पा दिता है जदों असी तुर जावांगे ए तुहाडे तक पहुंच जावणगे असी ये चांदे आसे रब दुबारा जिंदगियां दित्ती रखदा करबला दी जंग क़यामत ताईं जारी रहिंदी कोई बेईमान तुहाडे तक ना पहुंच सकदा शहीद हो गए लड़दे लड़दे दोवें भिरा मेरे इमाम चाह के उन्हां नूं वापस ले आए बड़ा लंबा वाकया करबला दा एक निशस्त च बयान करना ए बंदे दे बस दी बात नहीं बस हुण मैं एक शहादत बयान करना शहजादा कासिम दी ते फिर मैं इजाजत चाहवांगा मुसलमानों अली दा लाल मौला हसन दा लख्त जिगर हजरत कासिम 14 सालां दा नौजवान है ते सोना इतना है कि जदों करबला दे मैदान च आया एक रावी याद है अल्लाह दी कसम इंज लग्या जिवें आसमाना तो 14वीं दा चन्न नाज़िल होया करबला दे मैदान च इतने हसीनो जमील इतना रंगो नूर आए जनाब मुसलमानों गौर करना अम्मा ने आख्या मेरा बेटा बन चाचे कोलो इजाजत लै तू भी करबला दे मैदान च नाने दे दीन वास्ते जान दा नजरा
शुक्राना पेश कर। चाचे को आए इमाम अली मकाम दी बारगाह फरमाया पुत्रा किवें आया चाचा जान मेनू इजाजत दियो मैं भी शहीद होना चाहना नाने दे दीन ते जान कुर्बान करना चाहना। फरमाया नहीं मेरा पुत्र तू मेरे हसन दी निशानी है मैं तेनू वेखना ते मेनू वीर याद आ जांदा बिरा बिरा आउंदे ने मेरे हसन दा तू निशान है मेरा पुत्र मैं अपने बच्चे दे सकना वा मैं तेनू नहीं भेज सकता। लोगो जदों वापस आए ते मां ने आख्या पुत्र क्यों वापस आया अर्ज की अम्मा चाचा इजाजत नहीं देंदा। बीबी खत चा के अंदरों आई तवीज दे तौर ते जनाब अलामा अबुल हसनात शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह हिजबुल आनाफ वाले उन्हां दी किताब और आके गम दे अंदर ए वाकया मौजूद है। इमाम हसन दी जौजा हजरत कासिम दी मां एक खत चा के आईया फरमाया बेटा ये खत ए लैवन तेरे बाबे हसन ने जांदी बाकी लिखे आई मेरे हवाले कीता आई मैनू लगदा करबला नाले दा ताल्लुक है। जदों खत लेके आए इमाम दी बारगाह विच सुनना लोगो खत खोलिया ते लिखिया होया मेरे कासिम पुत्र तेरी उम्र 18 साल हो सी 14 साल हो सी तू 14 साल दा जवान हो से करबल दा मैदान हो सी मेरे वीर ते इम्तिहान हो सी मेरा बच्चा कुर्बानी देवे मैं हसन ते बच्चे ते राजी हो जासा। मुसलमानों जदों खत आया इमाम इनकार ना कर सके ए भी 14 साल दे शहजादे पैदल चल के करबला दे मैदान चाहे रावी आदे ने दो तस्मियां वालियां जुतियां पाईयां होईयां शहजादा कासिम ने सज्जे पैर दी जुती दा तस्मा टुटिया होया लेकिन अल्लाह दी कसम जदों तलवार पकड़ के हसन दा पुत्र करबला दे मैदान चाया इन लग्या जिवें चौधरी दा चंद चढ़ गया है। अल्लाहु अकबर इमाम दे बेटे ने आके ललकारिया ओ पलीतो यजीदी ओ आओ मेरे मुकाबले विच अरज़क नाम दा एक पहलवान आई इराक दा बड़ा जंगजू पहलवान आई उमर बिन साद ने उन्हों आख्या वन्ने दे मुकाबले विच ओ सका इस बच्चे दे मुकाबले च वन्ना मेरी तोहीन है ओ सका बेईमान आ तेनू पता नहीं ए बच्चे नहीं ए अली दे लाल ने। अल्लाहु अकबर सिर तू लेके पैरा तक होवे हम शक्ल पावे बच्चा बिल्ली दा शेर नहीं हो सकदा सारी उम्र रवे बिच शेरां दे कदे गिदड़ दिलेर नहीं हो सकदा मन कुन तो मौला फरमान नबी दा इहदे विच हेर फेर नहीं हो सकदा होवे आले बैत दा दुश्मन ते जावे जन्नत तौबा एदा हनेर नहीं हो सकदा। हो सका मैं अपने पुत्रा नू गले ना यके बाद दिगरे दे पुत्र आए इमाम कासिम ने चारा नू जहन्नम वासिल कर दिता शराब दे नशे विच दुध धो के गंदिया अखा करके मुंह विचों झग्गा पईयां निकलन। अल्लाह अकबर आया इमाम दे सामने ते गालियां बकन लग गया फरमाया गालियां देना साडा सेवा नहीं। मुसलमानों जदों सामने आन खलोता इमाम कासिम फरमाया तेनू घोड़े ते बैठण दी तमीज नहीं जीन कसी हुई कोई नहीं ते तू घोड़े ते बैठा है। उन्हें जीन वल वेख्या इमाम कासिम ने तलवार मारी मुसलमानों कंधे ते लगी गर्दन कंधे ते लगी दो टुकड़े करके घोड़े तक तलवार पहुंच गई बेईमान गिरिया जमीन ते ते इमाम हुसैन ने नारा तकबीर बुलंद कीता ते पता चल गया अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो अली शेरे खुदा मालूम होता। इमाम हुसैन की ये बहादुरी ये इस्तकामत ये करामत से ऊपर है अल इस्तकामत फौकल करामा। बाकी सहाबा का जो अमल है वो भी ठीक था और शरीयत के मुताबिक था
लेकिन इमाम अली मकाम का मैदान में आकर यजीदियत के खिलाफ जंग लड़ना ये अमल ऐसा था कि जिसको इस्तकामत कहते हैं। इसलिए यकीन जाने जूं जूं दिन गुजरते चले जा रहे हैं, करबला का जिक्र और करबला का वाकया जिस तरह पुराना होता चला जा रहा है, इमाम हुसैन का जिक्र उसी तरह ताजा होता चला जा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, जो देखी हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जो देखी हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। जिंदा फक्तुलो मुमताज कादरी शहीद मर के जिंदा हुए, बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी शहीद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जान रसूलुल्लाह के नामूस पर कुर्बान करके अमर हो गए। हजरत गिरामी कदर, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। जो अपने आप को मार देता है तलब रसूल में तो वही जिंदा हो जाता है। अल्लाह मेरे कलमात जो मैंने पेश किए ये टूटे फूटे कलमात अल्लाह कबूल करे। किबला पीर साहब के जेर साया मुझे बयान का मौका मिला, मुझे इस बात पर भी कल भी मुसर्रत है, अल्लाह ऐसे पीरों का साया नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों पर दराज फरमाए। वमा अलैना सारे।